दुर्ग जिले की पुलिस ने सीआईएसएफ की आरक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के सरगना सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों ने सीआईएसएफ आरटीसी भिलाई में भर्ती बोर्ड आरक्षक जीडी 2021 की परीक्षा के दौरान धोखाधड़ी की थी। पकड़े गए सभी आरोपी फर्जी दस्तावेज लेकर परीक्षा में शामिल हुए थे, मगर पकड़ लिए गए। सीआईएसएफ आरटीसी भिलाई में आरक्षक जीडी 2021 की परीक्षा 18 मई 2022 को हुई थी। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक टेस्ट लिया गया था। उस दौरान पहुंचे अभ्यर्थियों का फिंगरप्रिंट और फोटो का मिलान किया गया तो वह मेल नहीं हुआ। इसके बाद आरोपियों को पकड़ा गया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक दुर्ग डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने जानकारी दी। 4 कैंडिडेट जो सीआईएसएफ से भर्ती के इच्छुक थे, उनको एजेंट्स के द्वारा उनको कांटेक्ट करने पर उन लोगों ने 5-5 लाख रुपए देकर भर्ती की इस प्रक्रिया में धोखाधड़ी करने की कोशिश की। एक उन्होंने रिटर्न का कैंडिडेट ढूंढा जो रिटर्न में एक्सपर्ट था, उसने इन 4 लोगों का एग्जाम अलग अलग दिन एसएससी में दिया और उसके बाद फिजिकल दौड़ के लिए उन्होंने 4 अलग फिट व्यक्ति को ढूंढा जो कि यहाँ पर दौड़ने भागने आए। इनका फिंगरप्रिंट मैच नहीं, बायोमेट्रिक्स मैच नहीं करने पर और जो एड्रेस उन्होंने डोंगरगढ़ का दिया था, भाषा लोकल भाषा छत्तीसगढ़िया ना जानने पर डाउट होने पर इनको थाने लाया गया। थाने में यहाँ पे डिटेल में जांच की गई, पूछताछ की, मालूम चला कि ये लोग जो हैं जो कैंडिडेट हैं वो नहीं हैं, फर्जी लोग हैं जो दौड़ने के लिए आए थे। इस पर इन 4 को गिरफ्तार किया गया। डॉक्यूमेंट बनाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। अभी जो इनका मास्टरमाइंड जो है और जो एजेंट्स है उसको पकड़ने की कोशिश होगी और निश्चित रूप से इससे लोगों में एग्जाम की पारदर्शिता के ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिस तरह से पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इन 4 को गिरफ्तार कर लिया।